अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास के जी टू का चैप्टर टू मैथ्स का कंपेयरिंग पोजीशन पढ़ेंगे। कंपेयरिंग पोजीशन का मतलब होता है कि दो जगहों में, दो पोजीशंस में तुलना करना, कंपेयर करना, जैसे ऊपर नीचे अंदर बाहर इस तरह से। तो सबसे पहला जो कंपेरिजन है वो है, कंपेयर करेंगे हम ऑन एंड अंडर। किसी चीज़ के ऊपर अगर कोई चीज़ बैठी है तो उसको ऑन कहते हैं, और अगर किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ है तो उसे अंडर कहते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, द किटन इज ऑन द चेयर। किटन चेयर पर बैठी है, चेयर पर है, चेयर के ऊपर है। द पपी इज अंडर द टेबल। पपी टेबल के नीचे है। तो ऑन यानी ऊपर, अंडर यानी नीचे हो गया। नेक्स्ट फिर देखिए, चलिए प्रैक्टिस टाइम में देखते हैं। टेक द वन दैट इज ऑन। अब यहाँ हमें बताना है कि जो चीज ऑन है उस पर हमें टेक करना है। तो यहाँ देखिए, आप रेड जो है ये अंडर है, इस पर हम टेक नहीं करेंगे। कैट ऑन है तो इस पर टिक कर देंगे। यहाँ ये पैरट ऑन है और ये कॉक अंडर है तो पैरट पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट चलिए, टिक द वन दैट इज अंडर। अब उल्टा करना है, अब अंडर वाले पर हमें टिक करना है। तो ये एरोप्लेन ऑन है और ये बैट अंडर है, अंडर द स्टूल, यहाँ टिक कर देंगे। बॉल इज ऑन द चेयर, इस पर नहीं करेंगे। डॉग इज अंडर द चेयर, तो इस पर हम टिक कर देंगे। अंडर यानी नीचे, ऑन यानी ऊपर। नेक्स्ट है एबो एंड बिलो। एबो यानी भी ऊपर और बिलो यानी नीचे, थोड़ा सा फर्क होता है इसमें। यहाँ देखिए, द क्लॉक इज बिलो द पेंटिंग। क्लॉक जो है वो पेंटिंग के नीचे है। इस तरीके से जैसे दीवार पर कोई चीज है और वो ऊपर नीचे है, तब हम बिलो यूज करेंगे, ऊपर या नीचे, टच नहीं होगी वो। जैसे ऑन और ऑन में टच थी, वो चीज बैठी हुई थी उस पर, यहाँ सिर्फ ऊपर नीचे है, लेकिन उनके बीच में गैप है। द बर्ड इज एबो द ट्री। जो बर्ड है वो ट्री के ऊपर है, एबो द ट्री। तो ये क्या हो गया, बिलो द पेंटिंग, एबोव द ट्री, बिलो एबोव। प्रैक्टिस टाइम में देखिए, राइट ए इन द सर्कल फॉर द ऑब्जेक्ट विच एबोव एंड बी फॉर बिलो। तो ये देखिए, ये बर्ड एबोव है तो ए लिख देंगे, ये फॉक्स बिलो है तो बी लिख देंगे, एरोप्लेन एबोव है ए लिख देंगे, बस बिलो है तो बी लिख देंगे। इसी तरह से काइट एबोव है ए लिख देंगे, और ये बॉय बिलो है तो बी लिख देंगे। यहाँ पर फैन एबो है तो ए लिख देंगे, और ये बैट बिलो है तो बी लिख देंगे। नेक्स्ट, इनसाइड आउटसाइड, अंदर या बाहर। यहाँ देखिए, द हॉर्स इज आउटसाइड द स्टेबल। घोड़ा अस्तबल के बाहर है, ये अस्तबल है उसका और ये उसके बाहर खड़ा है, तो हम इसको बोलेंगे आउटसाइड। एंड ये देखिए, द बॉय इज इनसाइड द पूल, और लड़का पूल के अंदर है। तो ये इस तरीके से जब कोई चीज अंदर होगी तब हम उसे इनसाइड कहेंगे, और ऐसे कोई बाहर होगा तो उसे आउटसाइड कहेंगे। इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, इनसाइड आउटसाइड, याद रखिए अच्छे से। प्रैक्टिस टाइम में देखिए, टेक द ऑब्जेक्ट दैट आर इनसाइड। ये जो पपी, ये है बियर है, ये इनसाइड है। ये टेडी बियर देखिए इनसाइड द बॉक्स है, बॉक्स के अंदर, और ये कार आउटसाइड द बॉक्स है, बॉक्स के बाहर है। इसी तरीके से देखिए, ये वाले जो फ्रूट्स हैं, बनाना और पाइनएप्पल वगैरह, ये इनसाइड द इनसाइड है, और ये वाले जो फ्रूट हैं ये आउटसाइड है। तो हमें क्या करना है, इनसाइड वाले पे टिक करना है, तो इनसाइड वाले पे टिक कर देंगे। इसी तरीके से ये लॉयन इनसाइड द केज है और ये रैबिट आउटसाइड है, तो इनसाइड वाले लॉयन पे क्लिक कर देंगे। अब उल्टा करना है, अब आउटसाइड वाले पे टिक करना है। ये जो पेन है ये इनसाइड है, ये वाले पेन आउटसाइड है, ये फ्लावर इनसाइड है, ये फ्लावर आउटसाइड है, इस पर टिक कर देंगे। ये लीफ इनसाइड है और ये लीफ आउटसाइड है, आउटसाइड वाले पे टिक कर देंगे। नहीं देखिए, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ यानी होता है के सामने, और बिहाइंड यानी होता है के पीछे। तो देखिए यहाँ पर, जैसे द बाइक इज इन फ्रंट ऑफ द कार, बाइक कार के सामने है। द बस इज बिहाइंड द कार, और बस कार के पीछे है। तो सामने और पीछे, सामने यानि इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड यानि पीछे। चलिए सीखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस टाइम में देखिए, सर्कल द वन दैट इज इन फ्रंट ऑफ द अदर। उस चीज पर हमें सर्कल करना है जो इन फ्रंट ऑफ है दूसरे के। यहाँ देखिए, ये कार इन फ्रंट ऑफ है मैन के, तो कार पर सर्कल कर देंगे। यहाँ ये मैन इन फ्रंट ऑफ है ये बॉय के, इस मैन को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, कलर द ट्री विच इज बिहाइंड द टेम्पल। टेम्पल के बिहाइंड वाला, पीछे वाले ट्री को कलर करना है, तो ये वाला ट्री बिहाइंड है, इस पर हम कलर कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, फार एंड नियर। फार यानी दूर, नियर यानी पास, बहुत आसान है। टेक द एनिमल नियर द ट्री, पुट द क्रॉस अगेंस्ट द एनिमल फार फ्रॉम द ट्री। जो चीज ट्री के नियर है उस पर टिक करना है हमको, और जो चीज फार है उस पर हमको क्रॉस करना है।
ये डियर देखिए, ये हिरण, ये ट्री के नियर है, नियर यानी पास, उसको टिक कर देंगे। ये स्नैक जो है ये बाहर है, ट्री से दूर है, उसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है कलर द पेयर ऑफ शूज विच इज नियर द एलमिरा। उस शूज को कलर करना है जो एलमिरा के नियर है यानी पास है। ये वाले शू नियर है, इसको हम कलर कर देंगे। नेक्स्ट देखिए चैप्टर 3 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।